विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक ने कहा था कि मलेशिया में रहने वाले हिंदुओं को भारत में रहने वाले मुस्लिम अल्पसंख्यक की तुलना में 100 गुना ज्यादा अधिकार है। इस बयान के बाद मलेशिया के कुछ मंत्रियों ने जाकिर नायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसे देश से निष्कासित करने की मांग की। विरोध बढ़ता देख मलेशिया की सरकार ने जाकिर नायक को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बयान को देश के जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मलय बहुमत के खिलाफ भड़काने वाली टिप्पणी करार दिया गया कि मलय बहुसंख्यक बड़े तौर पर मुस्लिम धर्म से है। मलेशिया के गृह मंत्री मुहिद्दीन यासिन के मुताबिक नायक और उसके साथ कई अन्य व्यक्तियों से नस्लीय विरोधी बयान देने और झूठी खबरें फैलाने के मामले में पूछताछ की जाएगी। नस्ल और धर्म मलेशिया में संवेदनशील मुद्दे हैं, जहां मलय मुस्लिम 3.2 करोड़ की आबादी का लगभग 7% हिस्सा है। बाकी ज्यादातर चीनी और भारतीय हैं, जिनमें से अधिकांश हिंदू हैं। मलेशिया में कुछ नेताओं ने जाकिर नायक के इस बयान का जोरदार विरोध किया और उसे देश से बाहर निकालने के लिए भी कहा है। भारत ने 2016 के आखिर में जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने उस पर विभिन्न धार्मिक समुदाय और समूहों के बीच दुश्मनी घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करने और सहायता करने का आरोप लगाया था। जाकिर नायक ने फिलहाल मलेशिया में शरण ले रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट।